ईद उल फितर का चांद नज़र आने से मुतालिक माहिरी ने फल्कियात की पेशगोई विफाक हुकूमत ने ईद उल फितर पर छुट्टियों का ऐलान कर दिया वजी अज़म ऑफिस ने ईद की तातीलत की मंजूरी दे दी नोटिफिकेशन जारी क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं खबर के पीछे छुपे असल हक़क़ जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिल जिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें आपको बताते चलें कि वज़ी अजम शहबाज़ शरीफ़ को फितर पर तीन छुट्टियों की समरी भिजवाई गई थी लेकिन वजीरम ने फितर पर चार दिन छुट्टियों की मंजूरी दे दी है एक मई को मजदूर डे पर आम तातील होती ही है दो मई पीर से पाँच मई जमेरात तक चार छुट्टियाँ होंगी याद रहे कि ने फलकियात ने कहा है कि इस साल तीस रोजे पूरे होने का कवी इम्कान है जबकि दो मई पीर को शवाल का चांद नज़र आने की उम्मीद है मतलब साफ़ रहा तो पीर की शाम शवाल का चांद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वाजी और देर तक देखा जा सकेगा यूँ फितर तीन मई बरोज़ मंगल को होगी इनशाला